मारपीट तो इतना वो लोग किया है कि जब मैं गई ससुराल में तो देवर आफ्ताब वाला में उन्होंने ही हमको इतना मारा था और मेरा बेडरूम बंद कर दिया। उन्होंने मेरे साथ ऐसे बिहेवियर्स रहते थे कि कभी बच्चा ही नहीं होगा, लेकिन जब इसके लिए मैंने आवाज़ उठाया तो बच्चा 3 मंथ के मतलब एस्टे हुआ था, उन्होंने दावा दे के मतलब ख़राब करा दिए। शादी उस औरत से, वो डाइवोर्स वाली औरत है, उस दूसरे को झांसा में दे दे के चार शादी की हुई है अब 2022 में, और 22 जून को उन्होंने दिल्ली में शादी करके फेसबुक पे उसका फोटो डाला। फेसबुक पे मतलब डाल चुके हैं ऑलरेडी, फोटो भी डाल दिए थे यार। उन लोगों ने क्या किया कि मारा, मारने के बाद से और क्या किया कि उसी दिन सीसी कैमरा लगा दिया, महिला थाना को बुला के बिना नोटिस के मुझे घर से निकाल दिया। जब उस औरत से, डाइवोर्स वाली औरत से आपको पहले से अफेयर था तो मेरे से शादी क्यों किए? दोस्तों हमारे बगल में एक महिला बैठी हुई है जो कि कथित तौर पे कह रही हैं कि इनका जो पति हैं वो दूसरी महिला के साथ शादी कर लिए हैं और इनको इंसाफ चाहिए। ये चाहती हैं कि वो महिला लगातार दूसरे मर्दों को झांसा में लेके ऐसा करती हैं, ये इनकी पति अभी भी अगर आते हैं तो ये पति को अपनाना चाहती हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप बताएँ कि आपके साथ हुआ क्या है। सर मेरी शादी 2014 में हुई थी और तेज बोले मैं जी, मेरी जब शादी हो गई तो उस औरत से शादी के पहले से मेरे हस्बैंड ने अफेयर किया हुआ था, हम लोग को पता नहीं था। उन लोगों ने छुपा के शादी किया और मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई, ठीक है। और शादी के लगभग 6 महीना बाद से मेरे को पता चला कि उस औरत से अफेयर है, तो हमने इस बात को बहुत सा मतलब पर पंचित कराया और बहुत अपने मायके से लेकर ससुराल वालों को रिलेशन मतलब सब में हम ये हंगामा किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उन लोगों ने एग्री नहीं हुआ कि उस औरत से अफेयर है। उन लोगों ने मेरे ससुराल वालों, मेरे हस्बैंड, उस औरत से भी पूछताछ हुई तो उसने भी बोला कि नहीं, हम लोग एक फ्रेंड थे और उसकी शादी हो गई, मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं है। तो हम लोग उस बात पे रह गए कि चलिए, लड़का लड़की करता है सब शादी के पहले, शादी हो गई मैं अपने हस्बैंड को संभाल लूँगी, कोई बात नहीं है। मैंने इसी तरह चलता रहा और उन लोगों ने, मेरे हस्बैंड चोरी चुपके से कतर में रहते थे और कतर से वो दिल्ली आते थे, दिल्ली में वो रहती है बटला हाउस में। उसके बच्चे हैं? मेरे बच्चे अभी बच्चे नहीं है, बच्चा जब भी मतलब मेरे साथ में मेरे हस्बैंड जब थे तो उन्होंने मेरे साथ ऐसे बिहेवियर्स रहते थे कि कभी बच्चा ही नहीं होगा, लेकिन जब इसके लिए मैंने आवाज़ उठाया तो बच्चा 3 मंथ के मतलब एस्टे हुआ था, उन्होंने दावा दे के मतलब ख़राब करा दिए, ठीक है। वो भी तो मतलब बच्चा होने का रहा लेकिन वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। हाँ, डिस्ट्रॉय कर दिया, चीटिंग से ही किया वो। हम भी ऐसा नहीं करते। कब हुई थी शादी आपकी? मेरी शादी 2014 2014 में 29 नवंबर की मेरी शादी हुई थी। और ये मामला कब से चल रहा है, जो आप लोग अलग अलग कब से हैं? अलग अलग कब से, लगभग 4 ईयर हो गया, 4 साल हो गया। 4 सालों से आप लोग अलग हैं। अभी आपके हस्बैंड कहाँ हैं? मेरे हस्बैंड अब पता नहीं कहाँ हैं, कुछ शादी कर चुके हैं। शादी उस औरत से, वो डाइवोर्स वाली औरत है, उस दूसरे को झांसा में दे दे के चार शादी की हुई है अब ये कंफर्म पता नहीं है। फर्स्ट हस्बैंड का उसका नाम है शहनवाज और वो तकिया घर पड़ता है गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में, और उसका एक लड़का है यंग, आप लोग जैसा लड़का है उसका, और अपना हस्बैंड अपना बच्चा छोड़ के और मेरे हस्बैंड को फंसा के ऐसे ही शादी करती है। एक है वो, अब रिलेशन से क्या था या किससे शादी हुई है इतने को पता नहीं है, लेकिन तो एक शहनवाज नाम का है, उसका फर्स्ट हस्बैंड था, उसका मतलब पहला पति था। के पति, आपने अपने पति को समझाने की कोशिश नहीं की? आपको पता कब चला कि हाँ वास्तविकता में ये जो है दूसरे औरत के चक्कर में आ चुके हैं? मेरे हस्बैंड को मैंने समझाने की बहुत कोशिश किया और अपने हस्बैंड को मैं संभाल ली थी, संभालने के बाद भी, लेकिन वो शायद वो उससे कांटेक्ट में थे और मेरे ससुराल वालों को पता ना कैसे वो सबको झांसा में ले ली। मेरे ससुराल वालों सबके एग्री से 2022 यानी 2022 में और 22 जून को उन्होंने दिल्ली में शादी करके फेसबुक पे उसका फोटो डाला। फेसबुक पे मतलब डाल चुके हैं ऑलरेडी, फोटो भी डाल दिए थे। यस, देख सकते हैं यहाँ पे कहीं भी अब ऐसा कुछ शंका नहीं है, ये खुद बता रही हैं कि फेसबुक पे फोटो भी डाल चुके हैं वो शादी करने के बाद। के बाद से जब हम अपने ससुराल ऐसे ही रहते थे, फ़ोन से कांटेक्ट में रहते थे, बोलते थे कि हम तुमको आएंगे तो लेकर जाएंगे, ऐसे ही बातों में हम बोलते थे कि केस नहीं करेंगे, मेरे पेरेंट्स नहीं है और केस करने से कुछ होता नहीं, अपने घर को हम संभाल लें। तो ऐसा हुआ कि उन लोगों ने ऐसे ही हमको बातों में ऐसे फंसा कर रखता था, उस औरत से मेरे साथ चीटिंग करते थे मेरे हस्बैंड, और बात करना बंद कर दिए 2022 यानी 2022 में ही उन्होंने बात करना बंद कर दिया, 22 नहीं 2021 में नवंबर में, 5 दिसंबर को उनसे मेरी बात हुई लास्ट,
और ससुराल हम गए, जब बात नहीं हुई मेरे से तो ससुराल हम गए, 3 महीना तक मेरे से बात करना बंद कर दिए। तब मेरे को पता चला कि शायद ये मेरे साथ कुछ अलग कुछ सोचते होंगे, तभी तो 3 महीना तक बात नहीं किए। जब अपने ससुराल गए हम 4-व्हीलर से अपने भतीजे के लेके गए, तो वहाँ पे ससुराल वाले मुझे घुसने नहीं दे रहे थे, सास ससुर नंद देवर कोई नहीं घुसने दिया, लेकिन हम बोले कि नहीं हम जाएंगे और आप मेरी शादी हुई है, मैं इस घर की बहू हूँ, आप हम अपने ससुर से बोले कि अबू आप क्यों हमको घर से निकाल रहे हैं, क्यों हमको जाने नहीं दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि तुम्हारा हस्बैंड तुमको पंचीत में बोला गया है कि जब तुम्हारा हस्बैंड रहेगा तभी तुम वसीलपुर में रहोगी और नहीं रहेगा तो तुमको नहीं रहने दिया जाएगा। आगे क्या आप चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो शादी कर चुके हैं उस ऐसे औरत से किए हैं जैसे आप बता रही हैं कि वो 3-4 और मर्द के साथ शादी कर चुकी थी, तो उसके बाद आप क्या चाहते हैं, आप अपने पति को अभी भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आगे की क्या कार्रवाई आपके तरफ से होगी? कार्रवाई यही कि हम अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं, क्योंकि मेरी लाइफ आज 32-33 का मेरा एज है और मेरा चाइल्ड था वो भी उन्होंने अबॉर्शन करवाया, चाइल्ड नहीं रहा और अब मुझे चाइल्ड चाहिए और मैं उनके साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहती हूँ। क्या कहते हैं 21 मई को बारात लेके उसे गांव में फंसा गए थे और जब 22 को मेरे को पता चला गांव में ही में घेर के हमको मारने के भी धमकी दिए, जब ये पता चला तो हम 23 तारीख को अपने गांव से लोगों को 4-5 गाड़ी हम लेके गए थाना पे, तरवारा थाना में मैंने 498 के केस किया हुआ था, उन लोगों ने दहेज के एक कारण था, उन लोगों ने दहेज के लिए छोटी छोटी बातों के लिए, उनका कुछ अलग स्टेटमेंट था लेकिन उन लोग ने दहेज के लिए किया था कि दहेज नहीं मिला है, 4-व्हीलर नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, मेरे पेरेंट्स 2-व्हीलर गाड़ी दिए थे, RN5 था वही शादी में जो उन लोग का मिला मतलब था उन लोगों ने दहेज में दिया, और छोटी सी बात के लिए पैसा ये नहीं है, गाड़ी नहीं मिली, पैसा नहीं मिला, सामान नहीं मिला, दिस डेट, इस तरह से उन लोग छोटी छोटी बातों के लिए टॉर्चर स्टार्ट कर दिया, लेकिन उनका थिंकिंग कुछ और था। आप बता रहे थे मारपीट भी आपके साथ हुई है? बिल्कुल, मारपीट तो इतना वो लोग किया है कि जब मैं गई ससुराल में तो देवर आफ्ताब वाला में उन्होंने ही हमको इतना मारा था और मेरा बेडरूम बंद कर दिया और 8 दिन तक मेरे रूम में घुसने नहीं दिया था, चाबी छीन लिया, वो बदतमीजी से चाबी छीनने का कोशिश किया लेकिन हम चाबी उसको दे दिए, पूरा मेरा ये ब्लैक हाथ में हो गया था, चप्पल से मारा था। तो कि इनके जो हस्बैंड हैं अगर कहीं ना कहीं उनके तक ये बात पहुंचती है या फिर वो ऐसा वीडियो को देख पाते हैं तो ज़रूर इस पे अपना चिंतन मनन करें, क्योंकि आपकी जो वाइफ है वो अभी भी आपको एक्सेप्ट करना चाहती है, कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप जहाँ हैं वो कहीं ना कहीं झांसे में आप हैं, क्या यही कहना चाहेंगे ना? बिल्कुल। तो देख सकते हैं इस महिला का कहना है, और मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि अभी इस पे छानबीन बाकी है, ये अभी बस इनका जो स्टेटमेंट है वही आया है, तो इनको पूरी तरह से हम लोग सत्य नहीं मान सकते हैं। आप जो कह रही हैं मैं मानता हूँ, हो सकता है आपके साथ ऐसा घटना हुआ होगा, यह आपके अपना कथन है, हो सकता है जो शादी आप बता रही हो शादी भी हुई होगी लेकिन कुछ कारण और भी हो सकता है आपको छोड़ने का, ये तो जांच का विषय है थोड़ा, जो आप जहाँ पे आई हैं महिला विकास मंच के पास वो आगे की कार्रवाई करेंगी, क्योंकि महिलाओं का उनके पास जो है वो ज़्यादा मतलब कि आप कह सकती हैं कि वो ज़्यादा केसेस को हैंडल करती हैं। तो बाकी दर्शकों को मैं यही बताना चाहूँगा कि इन्होंने जो भी बताया ये इनकी अपनी राय है और ये बता रहे थे कि इनके साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है, आपको क्या लगता है इस पूरे घटना पूरे मामले पर हमें ज़रूर बताइएगा। मैक्सिमम 5 साल में 5 बार आए हैं, 1 मंथ के छुट्टी पे कोई डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट नहीं किया, कहीं लेके जाते नहीं थे और ना अपना इलाज ना मेरा इलाज, खैर मैंने जो भी था ऊपर वाले का कर्म था, मेरा स्टे जब हुआ था और उसके लिए मैंने बहुत आवाज़ उठाई, रिलेशन में बोली हर जगह कि मेरे हस्बैंड इस तरह से रह रहे हैं और चाइल्ड नहीं होगा तो मेरी लाइफ तब कैसे आगे बढ़ेगी, तो 3 मंथ का 2 महीना 27 दिन का मेरा चाइल्ड स्टे हुआ था, उन्होंने दावा देके गलत दावा दिया और बोल रहे हैं कि ये स्टे वाला है, दावा देते देते बिल्कुल मतलब ख़राब हो गया, यही उन्होंने किया, उसके बाद से मेरे साथ में बिल्कुल नहीं है, आज भी नहीं है, फ़ोन भी बंद किए, जब भी जा रहे हैं तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड रहते नहीं है, चोरी चुपके उस औरत के पास आते हैं आके, और फिर शादी भी पिछले साल कर लिए हैं। चलिए तो ये थी हमारे साथ एक महिला, आप पूरे इस मामले पे अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।